F1 का फोन नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है एपी एक्स माइनस वाई बाई में एक्स प्लस वाई, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद दिया है 3x माइनस का 2y बाई में एक्स प्लस वाई। तीसरा पद दिया है यहाँ पे 5x माइनस का 3y बाई में एक्स प्लस वाई। कह रहा है कि इसके n पदों तक का योगफल निकालना है, n पदों तक का योगफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका प्रथम पद यानी कि a का मान दिया हुआ है x माइनस वाई बाई में एक्स प्लस का वाई। फिर सार्व अंतर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, वो a2 माइनस a1 हो जाएगा। 3x माइनस 2y बाई में x प्लस का y माइनस x माइनस y बाई में x प्लस का y। LCM ले लेते हैं यहाँ पर, x प्लस का y हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2y माइनस का x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। यानी यहाँ से सार्व अंतर आ जाएगा आपका 2x माइनस का y बाई में x प्लस का y, ये सार्व अंतर हो गया। और पदों की संख्या दी हुई है n, पदों की संख्या है आपकी n। तो यहाँ पर n पदों के ऊपर क्या होता है n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। चलिए देखते हैं, n की जगह पे n ही रहेगा 2, a का मान कितना है x माइनस का y बाई में x प्लस का y n माइनस 1, और d का मान कितना है 2x माइनस का y बाई में x प्लस का y। ये x प्लस y को हम लोग बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई को बाहर जब यहाँ पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर करने से यहाँ पर हो जाएगा n बाई 2x प्लस वाई, ऊपर बच जाएगा 2 इंटू में x माइनस का y और प्लस में n माइनस का 1 इंटू में 2x माइनस का y। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं n y में 2 इंटू में x प्लस का y। यहाँ देखिए क्या दिया है 2x माइनस का 2y प्लस का n के साथ गुना कर देते हैं 2x माइनस का y, और फिर ये माइनस 1 के साथ गुना होगा तो माइनस का 2x और प्लस का y, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ आपका ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या बच जाएगा, n y में 2 इंटू में x प्लस का y, ब्रैकेट के अंदर देखिए n इंटू में 2x माइनस का वाई, और यहाँ माइनस का 2y प्लस का वाई, तो माइनस वाई हो जाएगा। यही आपका n पदों का योगफल आ जाएगा। चलिए देखते हैं 1।